नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ज्ञात हो कि लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के घाटी के नीचे बसे बिंता के सतसपुर में इंद्रावती नदी में 24 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण का भूमि पूजन हुआ। वहां के 15,000 लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री श्री लखमा ने कहा कि लोगों की पुरानी मांग को पूरा करने का कार्य विकास से सरोकार रखने वाली मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। यह सरकार लोगों की समस्याओं को समझने उनका समाधान करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा इस सेतु के निर्माण से लोग पूरे 12 महीने बिना किसी रुकावट के आना जाना कर सकेंगे। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में इस क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आई है। वर्षों पुरानी बड़ी मांग का सपना साकार होने जा रहा है। इस क्षेत्र में आवागमन के लिए सड़क ही नहीं थी, अब क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। चूंकि बैज ने कहा कि जब मैं 2013 से 2018 तक विधायक बना, उससे पहले घाटी के नीचे लोगों का सबसे प्रमुख मांग सड़क बनाना था। विधायक बनने के पश्चात चार पंचायत को जोड़ने के लिए सड़क बनाने का काम किया गया। सड़क बनाने के पश्चात हर घर में बिजली पहुंचाने का काम भी किया। आवश्यकता के हिसाब से गांव में बाल खनन का काम किया। उसके पश्चात सांसद श्री बैज ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, निश्चित रूप से आपको बरसों पुरानी मांग को भी पूरा करेंगे। आज सांसद श्री बैज के प्रयासों से 24 करोड़ 26 लाख से बनने वाले उच्च स्तरीय पुल की बरसों पुरानी मांग भी पूरी हो गई है। नांदिके के दोनों तरफ लगभग 15,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इन गांव के सड़क पर पुलिया बनाने में 2008 में गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। सड़क नहीं तो वोट नहीं, वो दिन याद करते हुए सांसद श्री बैज ने कहा, अगर आज यहां के प्रमुख नेता स्वर्गीय चमेश्वर पाड़ी अगर जिंदा होते तो विकास कार्यों को देखकर खुश होते। दुर्भाग्य है कि वे आज हमारे बीच में नहीं है। उनके द्वारा घाटी के नीचे बसे गांव के विकास के लिए जो सपना देखा गया, उस सपने को आज हमने पूरा किया है। सांसद श्री बैज ने छत्तीसगढ़ सरकार एवं वहां की जनता को बधाई देते हुए अपने विधायक के 5 साल के कार्यकाल में किए विकास कार्य को जनता के बीच रखते हुए जनता को एवं छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी को उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति हेतु भी बधाई दी। 20 स्कूल विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र, 2 भूस्वामियों को किसान किताब, सर्पदंश की विभिन्न घटनाओं में 7 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, 6 स्वयं सहायता समूह को 14 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया गया। इस स्थानीय विधायक श्री राजमन बेजा, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री महेश कश्यप, उपाध्यक्ष श्री योगेश बे, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के सदस्य बलराम मोल, जिला पंचायत सदस्य मालती बेज, जनपद सदस्य चेती बघेल, जनपद सदस्य प्रेमावती बाकड़े, लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लक्ष्मण पटेल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तोकापाल सहदेव, नाग महिला कांग्रेस अध्यक्ष जयंती यादव, सरपंच सतसपुर जगतूराम नाग, सरपंच करेकोट आंती नाग, सरपंच भेजा केशवलाल मौर्य, सरपंच बिंता विद्वाधर नाग, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष भवर मौर्य, सांसद प्रतिनिधि सुखदेव सेठिया, सीमांचल ठाकुर, जनपद सदस्य सुभाष कश्यप, वरिष्ठ कांग्रेसी फोटकाराम मासो, देवदास पटेल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेन मीणा, जिला पंचायत सीओ श्री प्रकाश सर्वे सहित जनप्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित। निश्चित रूप से आज तुमनमन के अमनमन के सरपंच सरपंच एवं प्रत्येक के अमनमन के सदस्य पूरे दरबारी अमनमन के बाजू तक सड़क निकलता है। 3 किलोमीटर के तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ से निश्चित रूप से ये तो समय है, मैं घोषणा तो नहीं करे लेकिन ये तो